का और ये स्क्वाड आगे बढ़ना चाहता है। पोर्टल चारों प्लेयर्स इनके मौजूद हैं, चार किल्स ऑलरेडी इनके हाथ खाते में रहने वाले हैं। जो ऑलरेडी प्लेयर्स नॉक है उनके किल्स को भी कंफर्म किया जा रहा है और जो किल काउंट है उसको मजीद बढ़ाते हुए नजर भी आएंगे। नेड्स की बरसात की जा रही है लेकिन नहीं, यहाँ पे ईगल का नेड आएगा और क्यान को नॉक डाउन कर दिया जाएगा। ईगल के पास चांस है यहाँ पे एक 1v4 निकाल सकते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पे किल कंफर्म करना चाहते हैं, नीचे उतरेंगे, नॉक को कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ते जरूर है लेकिन पकड़े जाएंगे। चाहते हैं वो मजीद जो है इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते। शामी पीछे हटते हुए लेकिन VPS की तरफ से थर्ड पार्टी कर दी जाती है और शामी नॉक को डाउन हो जाएंगे, कम कर दिया जाएगा और तीन प्लेयर्स बाकी रहेंगे। बॉली निकाली जाती है आरिफ की तरफ से, बॉली आगे फेंकने के बाद यहाँ पे कुछ हील लगाना चाहेंगे लेकिन नहीं, उससे पहले ही एग्रेस किया जा रहा है। एचपी काफी ज्यादा कम थी लेकिन TBS का फायदा उठाते हैं इस फाइट में और लास्ट प्लेयर जो डीमन के मौजूद थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया जाए। उठाते हुए जैगवार नॉक हो जाएंगे, वेलकम लास्ट प्लेयर मौजूद रहने वाले हैं, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आती हुई। लेकिन हसन आगे एग्रेस करना चाहते हैं, बकी लेके उतरेंगे लेकिन बिल्कुल सामने वेलकम के रुक जाते हैं, डैमेज इनको काफी ज्यादा पड़ेगा। हसन भी थोड़ा सा कवर लेते हुए थोड़ा सा यहाँ पे सर्वाइव कर लिए जाते हुए लेकिन नहीं, यहाँ पे एग्रेस करना चाहते हैं, बकी उनके हाथ में आ चुकी है, बकी के नीचे देके इस प्लेयर को एलिमिनेट करना चाहेंगे। गाड़ी की टक्कर लगा दी जाती है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिलती। बैकेंड से एक और प्लेयर आते हैं लेकिन NFP यहाँ पे बैकेंड से अभी भी वेट कर रही है, वो इन सारे ही के सारे किल्स को उठाना चाहते थे लेकिन सर्कल से बाहर शायद से वो इलिमिनेट हो जाते हैं। तरफ से नॉक किया जाएगा, दूसरी जानिब सियान की बात करें वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके क्रॉसर PBX अलाइव के क्रॉसर यहाँ पे TRD के ऊपर रहेंगे लेकिन नहीं, यहाँ पे फलक के हाथों इनको भी इलिमिनेट होना पड़ेगा। शाहिर के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज देगा और उजम यहाँ पे किल कंफर्म करते हुए फलक के नेट जाते हुए लेकिन ट्रेड इक्वल जाता है, इक्वल हो जाएंगे दोनों ही टीम के दो दो प्लेयर बाकी रहने वाले हैं। S11 आगे बढ़ते हुए 1v1 लेना चाहते हैं, शॉर्ट गन के साथ यहाँ पे नॉक किया जाएगा, फ्यूरी को किल कंफर्म किया जाएगा और उसी के साथ यहाँ पे स्टार के एक आखिरी प्लेयर यहाँ पे बाकी रहे। 11 को डैमेज दिया जाएगा, एक शॉट अटैच हो जाता है लेकिन S11 थोड़ा सा झांसा देते हुए पीछे जाते हैं और वांटेड जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक S12K का शॉट जाएगा और बिल्कुल अलग रहने वाले लोबी बिल्कुल सामने आने वाले हैं, क्लियर बिल्कुल सामने रहेंगे, स्प्रे किया जाएगा बट अनफॉर्चुनेटली सेक्सी MVP ये भी यहाँ पर टेक डाउन हो जाएंगे। ऊपर मुश्किलात बढ़ाई जा रही है, टीम पेन के एक प्लेयर को नॉक कर दिया जाता है, गोस्टी नॉक रहने वाले हैं, टीना की तरफ से नेड निकाला जाता है, नेड फेंका जाता है, डैमेज काफी ज्यादा देगा और इसके साथ एग्रेस करेंगे, एक और प्लेयर को गिराया जाएगा और देखते ही देखते पेन के स्क्वाड को काफी बड़ी मुश्किल में जा चुके हैं लेकिन नहीं, यहां पे ट्रेड नॉक भी देखने को मिलेगी, HR की टीम भी यहां पे काफी ज्यादा नुकसान कर रहा था। टीम जीजी के एक प्लेयर को नॉक एंड कंफर्म कर दिया जाता है, दूसरी जानिब पेन के जो एग्रेशन था उसको भी स्टॉप लगाने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ यहां पे फलक के स्प्रेज जाते हुए, फलक के स्प्रेज काफी ज्यादा डेडली रहते हैं, एक नॉक दूसरा नॉक और तीसरे प्लेयर के ऊपर भी नजरें जमा चुके हैं। आए वो खेलते हुए इस एंगल को अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नेड्स भी किए जा रहे हैं, इन नेड्स के साथ नॉक निकालना चाहते हैं, अगर एक नॉक अच्छा मिल जाता है तो ये टीम आगे बढ़ते हुए नजर आ सकती है लेकिन नहीं, IQ का नेड जाएगा, IQ के नेड ताकि वो जो है वो थोड़े से किसी उस कश्मकश का शिकार ना होकर नेड आएगा, ओपनिंग निकलेगी, नॉट जस्ट वन, दो दो प्लेयर यहाँ पर नॉक हो जाएंगे एंड नाउ जो चीज देखने को मिल रही थी, जो लाइबिलिटी हमें टीम KHK के और TAS के ऊपर नजर आ रही थी नाउ VPS के ऊपर नजर आ रही है। फोटो जी बिल्कुल, और टीम VPS उनके दो प्लेयर्स जरूर से यहाँ पर नॉकआउट कर दिए जाते हैं लेकिन फर्दर प्ले बॉय जो कि नॉक निकलने के बाद अब उम्मीद कर रहे थे कि अपने टीम दे पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली गेट्स डाउन एज़ वेल एंड टीम VPS अब एलिमिनेशन के बहुत ज्यादा कगार पर आ चुके हैं, एलिमिनेट जरूर करवा सकता है लेकिन फिलहाल टीम स्ट्रेट फॉरवर्ड को स्मार्ट से एलिमिनेट कर दिए जा चुके हैं। लुक एट टीम गट्स एंड ग्लोरी, उनके प्लेयर्स भी जाएंगे फाइट में घिरते हुए दिखाई देगी, इतना तेजी के साथ एक्शन चल रहा है, गट्स एंड ग्लोरी क्लोज से एलिमिनेशन एंड नाइट जाने से पहले करेंगे, बिल्कुल वो सामने रहेंगे, ग्रेनेड थ्रो किया जाएगा, नॉक हो सकते हैं बट स्प्रे करेंगे बिल्कुल मुंह के आगे आगे कैसर के, ओ भाई साहब he also don't know about it कि यहाँ पर प्लेयर्स किस साइड से आ रहे हैं, बट अलाइव प्रेसिंग बनेगा हमारी हर एक टीम के दरमियान जो बैटल है और बनते हुए दिखाई देगा, तो वो आगाह जरूर हुआ लेकिन HR के प्लेयर्स का कि MRC का गलती करना तो पारी पड़ेगा। 4v4 की इस फाइट के अंदर मीटर शॉट इस कंपाउंड में अभी के लिए 100 लोग इस प्लेयर के ऊपर मौजूद रहने वाले हैं और इस चीज का एडवांटेज उठाया जा रहा है कि ट्रेड जो कि ऑलरेडी दोनों टीमों के दरमियान बन चुका है, ऑक्टेन इज द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, सामने टीम KHK उनके पास नंबर्स अभी भी मौजूद रहेंगे, अपने लिए किल कंफर्म करने के उनके पास चांस है लेकिन प्लेयर को यहां पे गलती नहीं करनी है, लेकिन इस दौरान उनके अपने प्लेयर्स नॉकआउट हो जाएंगे
टीम ऑल्ट एक्सपोर वाइकिंग उनके ऊपर नॉकआउट निकलने के बाद आरबी मजीद चार्जअप कर चुकी है। एक और नॉकआउट आएगा पैंथर की जानेब से भी, लूनस भी वो भी मौजूद रहेंगे, ईगल आगे बढ़ेंगे, इनको नॉकआउट कर दिया जाएगा। ऑल्ट एक्सपोर वाइकिंग उल्टा इधर लेवल बर्स के जाने से पहले मजीद यहाँ पर जब टीम और भी आरबी का जो प्लेयर्स हैं उनको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा कर ही वो इस लॉबी से जाएं, लेकिन स्टिल टीम 4v आरबी के प्लेयर्स उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फिर आ चुके हैं, सरप्राइज दे दिया जा चुका है, हो सकता है कि जहां पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑल्ट एक्सपोर वाइकिंग जी टीम केएचके ये वो टीम्स हैं जो इनके नीचे हैं, लेकिन सरवाइव करते हुए इस मैच से مزید पॉइंट्स निकालने की कोशिश में लग चुके हैं। टीम ऑफ जी जिस तरह से एग्रेस कर रही है, देखते ही देखते यहां पे एक और स्क्वाड को वाइप किया जाएगा, लेकिन अपने दो प्लेयर्स को नॉक करवाते हुए टीम एचयू भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाएगी नंबर 7 के ऊपर दो एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ। लेकिन टीम ऑफ जी यहां पे रिवाइवल देते हुए अपने प्लेयर्स को देते हैं। लास्ट उम्मीद अब्दुल्ला रहने वाले हैं, हाथ में उनके मौली है और मौली करके यहाँ पे प्लेयर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जहाँ पे यूटिलिटीज यूज कर रहे हैं यहाँ उस जगह के ऊपर इनके अपने ही प्लेयर्स मौजूद हैं और अपने ही प्लेयर्स को डैमेज दिया जा रहा है और वो एक एक करके प्लेयर्स इनके एलिमिनेट भी हो रहे हैं। और एक और स्क्वाड हमें चाल जो है इस मैच से छोड़ के जाता हुआ, लास्ट तीनों टीम्स मौजूद लेकिन स्पिन्स के कदीर किस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्लेयर को यहाँ पे गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की जाती है और कामयाब भी हो जाते हैं। लास्ट प्लेयर अब्दुल्ला गाड़ी के नीचे देके उनको एलिमिनेट किया जाएगा और टीम स्पिन्स मजीद किल्स अपने बैकपैक में डाल चुके हैं। मैं देखना चाहूंगा और आप ज्यादा दूर नहीं थे वो सेकंड ने कंफर्म करने से, इनके पास नंबर यहाँ पे मौजूद होता है को मिला था, लेकिन आज अगेन कुछ खास इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन टीम क्रॉनिकल्स वो काफी बड़ी मुश्किल में जाते हुए टीम ऑल स्टार के प्लेयर्स उनको नॉक डाउन करेंगे, किल कंफर्म करेंगे, लेकिन बैक एंड से डैमेज पड़ता हुआ सलमान ओपी को काफी ज्यादा जो है उनकी एचपी कम कर दी जाएगी। टीम स्पिन्स जिस तरह की डोमिनेशन उन्होंने लास्ट मैच में निकाली थी इस मैच में अगेन निकालना चाहते थे, लेकिन दो प्लेयर एक एक करके नॉक हो जाते हैं। गुरु मौजूद है, कामरान मौजूद है, अभी देखते हैं ये दोनों प्लेयर किस तरह से खेलते हैं। लेकिन कामरान की डीपीएस चलेगी, एक नॉक दूसरा नॉक किल कंफर्म और इसी के साथ यहाँ पे अपने लिए दो किल सिक्योर करते हुए जाना चाहते हैं आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन गुरु के पास एक अच्छा चांस है, नॉक निकाल सकते हैं लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है एक नॉक आएगा और किल भी कंफर्म कर दिया जाए। कामरान मौजूद है, डीबीएस उनके हाथ में है, लेकिन डीबीएस चलाने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है और दोनों टीम्स की एंगेजमेंट चलती हुई और द नाइटमेयर के एक प्लेयर को नॉक किया जा चुका है और रिवाइवल के लिए वो जाते हुए, लेकिन नहीं रिवाइवल देने नहीं दिया जाएगा। दोनों मोलू का कंफर्म कर लिया जाता है और ओग्जी के खाते में जाएगा एक मजीद किल और द नाइटमेयर को एक प्लेयर गंवाना पड़ेगा। लेकिन द नाइटमेयर एक और प्लेयर को नॉक करवा देते हैं, टीम ओग्जी नेड्स की बरसात करते और इन्हीं नेड्स के साथ द नाइटमेयर का सफर यहाँ पे एंड करना चाहते हैं। क्या द नाइटमेयर के लास्ट प्लेयर यहाँ पे बच पाएंगे? जी नहीं, एक प्लेयर बचे हुए हैं। प्लेयर्स अभी तक सरवाइव करते हुए अपनी हील दोबारा से किल करते हुए अगेन से जो है वो कुछ मजीद पॉइंट्स निकालना चाहते हैं। चार किल्स इनके पास भी मौजूद है, लेकिन नहीं यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा इनको भी। बाकी जस्ट तीन ही टीम्स रहने वाली हैं। दी नाइटमेयर्स यहाँ पे सॉरी दी नेमलेस का स्क्वाड यहाँ पे मौजूद है और 17 किल्स के साथ आगे बढ़ते हुए एक नॉक निकाला जाएगा। दी सेवन बैंडिट्स की टीम के साथ एंगेजमेंट में जाते हुए और मजीद किल्स उठाना चाहते हैं। गाड़ी बस के साथ एक और किल अपने बैकपैक में डालते हुए 18 किल्स इस टीम के पास आ चुके हैं। टीम प्रोपी क्रॉसर उनके बिल्कुल सामने रहेंगे, नॉक करने की कोशिश, लेकिन नेड आता है, नेड काफी ज्यादा डैमेज देगा। एक और नेड आ रहा है, ये नेड इनका सफर यहाँ पे एंड कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे इनके एग्रेशन को फुल स्टॉप लगाया जाएगा, लेकिन अभी भी बाकी दो प्लेयर इनके मौजूद है, आलियान और उनके साथ जो है यहाँ पे एक और प्लेयर मौजूद रहने वाले हैं। दोनों के दोनों प्लेयर एग्रेस कर रहे हैं, नेट की बरसात की जा रही है और इन्हीं नेट के साथ यहाँ पे सेवन बैटिस के प्लेयर नॉक हो सकते हैं। अभी तक इसमें नतीजा नहीं सामने हमारे आएगा। आलियान डीबी साथ में बिल्कुल ओपन में जाके वन वी वन लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे सेवन बैटिस की टीम टी टू फोर ओपी को आलियान को एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पे अपने लिए विनर विनर चिकन डिनर स्कोर करेंगे।